अबाया के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ज़्यादातर ब्लैक कलर लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बुर्कों के ब्लैक कलर को ज़्यादातर यूज़ करना इंसान बहुत बोर हो जाता है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लैक कलर के अलावा जितने भी अबाया के लिए कलर्स होते हैं, यानी न्यूट्रल कलर्स और इसके अलावा जो लाइट कलर्स होते हैं, प्लेट कलर्स होते हैं, सिंपल कलर्स होते हैं, वो आज आप इसमें देखोगे। इस तरह आप लोग स्काई ब्लू, इसके अलावा न्यूट कलर्स जितने होते हैं ब्राउन कलर में, और इस तरह जो सिंपल प्लेन कलर्स होते हैं, इसमें आप लोग अपने अबाया को स्टिच करवा सकते हैं। न्यूट कलर्स में अबाया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आप लोग स्कार्फ भी बनवा सकती हैं उसके साथ साथ, और इस तरह के अबाया के डिज़ाइंस हैं, सिंपल भी है और इसमें ज़्यादातर सिंपल ही मैंने ऐड किए हैं। अबाया जितना ज़्यादा सिंपल होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अबाया का मतलब ही होता है पर्दा करना। तो पर्दा जितना ज़्यादा सिंपल हो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अबाया में ज़्यादा लेसेस वगैरह और इस तरह जो आजकल जिस तरह के अबायास हैं उस तरह नहीं होना चाहिए, सिंपल और यूनिक अबायास होने चाहिए। और इसके साथ आप लोग कलर्स अच्छे तरीके से चूज़ करें। कलर्स इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स होते हैं, स्टॉलर्स के कलर्स होते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ फैब्रिक में भी ये होता है। अबाया का फैब्रिक जो कपड़ा होता है वो जितना हैवी होगा उतना ही अबाया अच्छा होगा। हैवी फैब्रिक चूज़ करना इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है, बजाय कि अगर आप लोग जो हल्के कपड़े होते हैं उनको ले तो उनकी प्रेस ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उनके लिए आप लोग कोशिश करें कि फैब्रिक को, मोटा फैब्रिक हो, हैवी फैब्रिक हो, तो वो बेस्ट रहता है।